जब कभी रेगिस्तान की बात होती है तो लोगों के जहन में रेत से बने टीलों की तस्वीर उभर कर सामने आ जाती है। अक्सर रेगिस्तान में इंसान, पानी और पेड़ पौधे दिखना नामुमकिन होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक रेगिस्तान ऐसा भी है जिसके बीचों बीच एक खूबसूरत सा गांव बसा हुआ है, जहां दुनिया की हर सुख सुविधाएं मौजूद हैं। यहां असुविधा जैसा शब्द कोई इस्तेमाल ही नहीं करता, क्योंकि ये इतना स्टैंडर्ड गांव है जिसकी कल्पना आपने भी नहीं की होगी। और इस गांव का नाम है हुआकाचिना। ये दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित है। यूं तो हुआकाचिना में स्थायी आबादी बहुत कम है, लेकिन ये पर्यटकों से हमेशा गुलजार रहती है। इस गांव में आपको दुनिया की वो तमाम सुविधाएं मिलेंगी जो आपने सोची हो। हालांकि गांव के लोगों के पास पैसे कमाने का कोई साधन नहीं है, मगर गांव के लोग यहां घूमने आने वाले पर्यटकों से पैसे कमाकर अपना घर चलाते हैं। हुआकाचिना रेगिस्तान में एक छोटी प्राकृतिक झील है जिसे अमेरिका का नखलिस्तान कहा जाता है। इस झील के बारे में कहा जाता है कि इसके पानी और मिट्टी में ऐसा जादू है कि इसके पानी में नहाने या फिर शरीर पर मिट्टी का लेप लगाने से तमाम तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। यहां रहने वाले लोगों के अलावा टूरिस्ट भी इस झील में डुबकी लगाते हैं और इसकी मिट्टी का लेप शरीर पर लगाते हैं। ये झील कैसे बनी, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। गाँव के लोग बताते हैं कि किस्सा यहाँ पर बहुत मशहूर है। एक बार एक परी यहाँ पर नहा रही थी तो एक शिकारी ने उस पर निशाना साधा था, जिसके बाद वो परी तो बच गई लेकिन उसके कपड़ों से एक टीला बन गया और उसी टीले के अंदर ये गांव बसा हुआ है, हुआकाचिना। गांव में घूमने वाले पर्यटकों का कहना है कि इस खूबसूरत गांव में आते ही ऐसा लगता है जैसे कोई जन्नत आ गए हैं। यहां आने के बाद इंसानी रूह को ऐसा सुकून मिलता है कि घर जाने का मन ही नहीं करता। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।